तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया था आप लोगों का कि जो मेरी केयर होम की जो वीडियोस है पार्ट वन पार्ट टू, उसके ऊपर एक के ऊपर 11,000 व्यूज़ हो गए हैं और एक के ऊपर 9,000 व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं। सो आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दैट। जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बनाता हूँ, जो भी मैं फेस कर रहा हूँ या खुशी का टाइम है या थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ वीडियो में। सो दैट जब आप भी आओगे यूके में तो आपको अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है सो यू विल बी एबल टू नो हाउ टू टैकल द सिचुएशन। या ठंड ना बहुत गाढ़ फाड़ ठंड हो चुकी है। अब जो है मौसम तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है लेकिन जो टेम्परेचर है वो -2 है, तो मतलब ठंड जो है वो सहारी नहीं जाती है बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, बहुत ज़्यादा। आपने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। मैं बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ आपको रिलेटेड टू द हेल्थ केयर सिस्टम इन यूके। जो आप इतने पैसे लगा के आते हो, यू नो IHS के पैसे भरते हो इतने सारे वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे, तो आपको प्रॉपर सर्विस ना मिले तो फ़ायदा ही क्या है ना। तो आज हम उसी रिलेटेड बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही ज़रूरी बात है, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। जो भी मेरे भाई बंधु सितंबर इनटेक में आए हैं या जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो जब आप यूके में आते हो तो आपको अपना GP रजिस्टर करना होता है, जो कि जनरल प्रैक्टिशनर होता है। तो जब आप अपना GP रजिस्टर कर लेते हो, मतलब यहाँ पर पहले मैं सिस्टम बता दूँ, अपने इंडिया में जैसा है वैसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि जब बुखार आया आप चले गए, आपको दवाई मिल गई, डॉक्टर ने दवाई दे दी और आप ठीक हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको पहले आते ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, जैसे मैंने बताया हुआ है पहले भी वीडियो में, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करने के लिए, वो सारी चीज़ें होने के बाद आपको आते ही अप्लाई करना होता है NHS नंबर के लिए, और आपको रजिस्टर करना पड़ता है अपने नियरेस्ट GP जो जनरल प्रैक्टिशनर है, जिसे हम इंडिया में नॉर्मल दवाई देने वाला डॉक्टर बोल देते हैं। GP रजिस्टर होने के बाद आपको NHS नंबर मिल जाता है, तो मतलब कि आप इनके हेल्थ केयर सिस्टम में एनरोल हो चुके हो। कभी इन फ्यूचर आपको कोई तकलीफ़ होती है या बुखार वगैरह होता है सो आप इन्हें कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले करके आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। तो यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है हेल्थ केयर सिस्टम से वो बिल्कुल भी सही नहीं रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी दिक्कतें भी आई थी बीच में, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ नहीं निकला। अगर मैं इंडिया में होता तो शायद अब तक मैं ठीक होके मतलब फिट एंड फाइन हो चुका होता। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अच्छे से समझ लीजिए कि आपको करना क्या होता है। तो मैं अपना पहले एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत बुरा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मार्च में मैं सीढ़ियों से गिर गया था, मेरा जो कॉलर बोन है वो डिसलोकेट हो चुका था और पेन ज़्यादा हो गया था। तो पहले तो 2 दिन मुझे समझ ही नहीं आई, क्योंकि शुरुआती में मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब मैं एक साइड में सोता था तब ज़्यादा पेन डेवलप होता था, तो फिर बाद में मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, मैंने इनको बताया, सो आई कम टू नो कि मेरा कॉलर बोन डिसलोकेट हो चुका है। बहुत ही बुरी खबर थी मेरे लिए, बिकॉज़ यहाँ पर अगर आपकी हेल्थ पर कोई भी असर पड़ता है तो वो सीधा सीधा आपके काम पर असर पड़ जाता है। ठीक है, तो मुझे उससे छुट्टी लेनी पड़ी थी काम से, और काफ़ी दिन मैं घर पे रहा एंड देन डॉक्टर से कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो दे वेर ओनली टेलिंग मी टू हैव आइब्रोप्रोफेन, जो कि एक पेन किलर मेडिसिन है। तो भाई अगर आपका कॉलर बोन डिसलोकेट हो चुका है, आपको पेन हो रहा है, और आइब्रोप्रोफेन जो है वो तो सिर्फ आपको पेन से जो बाहर निकलने में मदद करेगी, लेकिन जो इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो क्या है। बहुत मशक्क़त करने के बाद मतलब मुझे अपॉइंटमेंट मिली GP से। पहले तो कंसल्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि चलो हम आपका आपको एक जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसे रेफ़र करता है, वो आपको चेक करेगा, देन अगर आपको एक्सरे वगैरह निकालना होगा तो वो आपको सजेस्ट करेगा। 2 हफ्ते के बाद मुझे GP की पहले तो अपॉइंटमेंट मिली, कंसल्ट करने के बाद अगेन 2 हफ्ते के बाद मुझे जाके जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसकी अपॉइंटमेंट मिली। उसने चेक किया तो उसने और 2 हफ्ते लगा दिए कि मुझे एक्सरे रेफ़र करने वालों को जो अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए। 2 हफ्ते के बाद मेरे एक्सरे हुए, उसकी जो रिपोर्ट आई वो 1 हफ्ते के बाद आई रिपोर्ट, जिसमें मुझे पता चला कि मतलब मेरा प्रॉपर डिसलोकेशन हुआ है
तो कितना परसेंट हुआ है या क्या है वो सारी चीज़ें उसमें आई। जो मैं बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था और नॉर्मल जो मेरा एक्सरसाइज रूटीन है वो नहीं फॉलो कर पा रहा था। मेरे से हाथ ही नहीं उठ रहा था यार, हाथ एक्सरसाइज क्या करना था। मार्च से जून आ गया, मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला। और आइब्रोप्रोफेन कितनी खा लोगे यार आप, कितना टाइम तक पेन किलर खा लोगे? जो प्रॉपर सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेडिसिन क्या खानी है प्रॉपरली, ना डॉक्टर जीपी ने आपको कुछ मेडिसिन लिख के दी है। तो मतलब वो बोल रहे हैं कि घर पे ही उन्होंने सजेस्ट किया कि आप घर पे ही एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो एक्सरसाइज भी उन्होंने बोला कि हम आपको ईमेल करेंगे, वो भी ईमेल नहीं आया। तो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत ही बुरा रहा जीपी के साथ में इस चीज़ को लेकर के। जो मेरा मन था बहुत ही ख़राब हुआ था और अभी भी ख़राब है क्योंकि अभी तक मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला, इन्होंने अभी तक कोई मुझे सोल्यूशन नहीं दिया है। सो यही कह रहे हैं कि घर पे आप एक्सरसाइज करो। और जो मुझे जब मुझे इन्हें पता चला कि मेरा जो डिसलोकेशन हुआ है तो उन्होंने फिजियोथेरेपी के लिए मुझे सजेस्ट किया, वो भी 6 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिल रही थी। सो फिर मैंने हार के खुद ही गूगल करना शुरू किया कि कॉलर बोन डिसलोकेशन के लिए क्या क्या एक्सरसाइज हो सकते हैं, और खुद ही मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया घर पे ही, जिससे मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ा। पर अब जाके फिर से मुझे वो पेन डेवलप होना शुरू हो गया है। तो मैंने जीपी से अपॉइंटमेंट ली थी कुछ 3 दिन पहले, मैं वापस गया, सेम जीपी ने मुझे दोबारा से वही चीज़ कही कि देखिए आप ना आइब्रोप्रोफेन ले लीजिए और घर पे एक्सरसाइज करते रहिए, आपको फ़र्क पड़ेगा डेफिनेटली। और अगर 2 महीने में नहीं फ़र्क पड़ता है तो मतलब आप दोबारा से हमें विज़िट करिए, सो हम आपको स्पेशलिस्ट से मिलाएंगे। तो मेरा जो दिमाग है ना उसका तो जो अब जाके ना और दिमाग का जो दही हो गया वो हो गया अलग। तो बोलने का मतलब यह है कि मतलब यहाँ पर अगर आपको कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम आती है ना, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको प्रॉपर केयर जो है वो प्रॉपर मेडिकेशन जो है वो मिले। अंटी ने अनलेस आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आप इमरजेंसी में ही सीधा घुस गए और वो ट्रीटमेंट चालू करें, वो बात अलग है। अगर आप जीपी के थ्रू जाते हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको प्रॉपर यू नो मेडिकेशन वगैरह टाइम पर मिले, क्योंकि आप आधे तो पागल हो जाओगे अपॉइंटमेंट ही लेते लेते। आपको कभी 2 हफ्ते के बाद अपॉइंटमेंट देंगे, कभी 4 हफ्ते के बाद अपॉइंटमेंट देंगे। हाँ, तो इस चक्कर में मतलब है ना आपकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। और मैं इनकी ये बात बता देता हूँ, अब जो मैंने एक्सरे करवाया था, मैंने उनसे इनकी इनसे मेरे एक्सरे की फिल्म मांगी, तो दे सेड कि हम फिल्म नहीं देते सॉरी सर। मैंने बता रीज़न बताओ, बोलते वो हमारा मतलब रूल्स है कि हम ऐसे फिल्म नहीं देते हैं आपको। मैंने बोला यार देखो आप तो मेरी जो मेडिकेशन है वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं और मुझे तकलीफ़ हो रही है, सो मैंने अपने इंडिया में जो डॉक्टर हैं उनसे बात करी थी, ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर है, सो यू नो उन्होंने कहा कि अगर आप रिसेंट एक्सरे करवा के आप फिल्म ले लो तो या रिपोर्ट भेज दो तो काफ़ी आसान होगा उनके लिए मेरे लिए मेडिसिन लिखना। फिल्म देने को भी तैयार नहीं है, या रिपोर्ट इन्होंने दे दी है जो पेपर पर नॉर्मल सी रिपोर्ट लिख के दी है। तो ये ना मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ इनके हेल्थ केयर सिस्टम से, मे बी जो जीपी हैं उनसे। सो आई माइट सी कि अगर मुझे जीपी चेंज करना है, सो आई विल सी इन फ्यूचर कि मैं जीपी चेंज करूँ अपना। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, बहुत ज़रूरी कि आप जीपी रजिस्टर कर रहे हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर आप, अगर आप मतलब ज़्यादा दिक्कत आ रही है जैसे आप गिर चुके हैं आप, मतलब जैसे मुझे प्रॉब्लम होती हो गई थी, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। सो जैसे अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा सीधा इमरजेंसी में घुस जाइए, वो ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें कर लेंगे। जीपी के थ्रू जाओगे तो बहुत तकलीफ़ आ सकती है, तो ऐसा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हो, आप ना भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि तकलीफ़ हो रही है, उठने नहीं हो रहा है, कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, सीधा इमरजेंसी में घुस जाओ, जाके पास में जो हॉस्पिटल है उसके इमरजेंसी में घुस जाओ, दे विल डू द रेस्ट। लेकिन अपना जीपी ज़रूर रजिस्टर करें, जीपी रजिस्टर नहीं किया है और इमरजेंसी में जाओगे दे वोंट ट्रीट यू, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जो यही बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी कि भाई अगर आप यूके में आ रहे हो तो हेल्थ केयर हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर सेहत है तो आप आगे काम कर सकते हो, कमा सकते हो, सेहत ख़राब हो गई तो आपको तकलीफ़ हो सकती है भाई। और इंडिया से जो भी हो जितना भी हो सके मेडिसिन वगैरह अपनी ले आइए, कि जो नॉर्मल आपकी मेडिसिन है वो यहाँ पर ले आइए, यहाँ से मेडिसिन ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक आप जीपी से कंसल्ट नहीं करते हो, प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेते हो, तो आपको नॉर्मल जो मेडिसिन है वो नहीं मिल पाती है, जो दिक्कत आपको हो सकती है।
जो 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 भी मेरा भाई बंधु ये वीडियो देख रहा है ना, एक्सपीरियंस ले लीजिए मुझसे, और आप मेक श्योर करिए कि अपनी सेहत का ध्यान रखें बिल्कुल, और कुछ तकलीफ होती है तो सीधा इमरजेंसी में चले जाइए, या अपने जीपी से कंसल्ट कर रहे हो तो मेक श्योर दे यू कैन आस्क देम कि भाई कब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या क्या आगे क्या प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें उनसे पूछिए। अन्यथा अपने जो इंडिया में आपका डॉक्टर है उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हो। मेरी इन टोटल जो मैं बात बता दूँ, जो मेरी कॉलर बोन डिसलोकेशन हुई थी उसका सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला है यहाँ पे। फाइनली जाके मैं अपने अभी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से है जो उनसे एक बार दोबारा बात करूँगा और मेडिसिन इंडिया से मंगवाऊँगा और कोशिश करूँगा कि एक्सरसाइज करते रहूँ और जल्दी से ठीक हो जाऊँ, बिकॉज यहाँ का जो सिस्टम है अगर उसके हिसाब से आप चलोगे तो आप तो भाई ऐसे ही रहोगे। तो मुझे मार्च से लेकर अब दिसंबर आ गया, आप अंदाज़ा लगा लो कितना टाइम हो चुका है और अब तक इसका कोई सलूशन नहीं आया है। तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि जो भी मेरा भाई बंधु इंडिया से आ रहा है या कोई भी कंट्री से आ रहा है सेप्टेम्बर इनटेक के लिए या जनवरी इनटेक के लिए, यू शुड नो ऑल दिस थिंग। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, आई विल ट्राई एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम, और आई विल ट्राई एंड आंसर यू इफ आई कैन। या एंड ओके, सो अब यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, हैव अ गुड डे, थैंक यू।